बहन जी कहाँ जा रही हो बहन जी? मुझे एक और किडनैप करना है। इसको अच्छे से करते हैं, कट 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 कट। ओ गॉड, कितना स्पाइसी लग रहा है मसाला। सो बॉन्जोर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से स्मार्ट बाजार, क्योंकि पहले हम लोग थोड़ा बहुत ही सामान लाए थे। हमने सोचा था कि बहुत सारा कैरी करना पड़ जाएगा, बट फिर थोड़ा बहुत जुगाड़ हुआ तो फिर पता चला कि कार, जिस कार में मामी लोग वापस आएंगे तो वो हमारे साइड से ही जाएगी वापस, तो हम उसी में सामान रखवा देंगे। और मम्मी को देखो भाई, ये नानी नहीं आज टमाटर ही बोलूँगी, आज मैं क्या बोलूँगी। अच्छा खासा नानी ने पानी की बोतल ली थी 10 वाली पीने के लिए, और मम्मी कह रही अरे यार नहीं ले जाते वो लोग कहेंगे हमारे वहाँ से ही ली, स्मार्ट बाजार वाले कहेंगे कि हमारे वहाँ से ही ली, तो ये बॉटल रख के आ गई हैं। हमारे वहाँ से ही नहीं कहेंगे स्मार्ट बाजार, वहीं से लेंगे 10 रुपीज़ की बॉटल यार, अभी कोई घर से। और मैं एक स्टॉल लेके भी आ रखी हुई है मुँह ढकने के लिए, आज तो हम दोनों के दोनों चोर दिखने वाले हैं। आप भी तो देखोगे। ओ यहाँ पे नेवला देखा मुझे, हाँ वो चला गया इधर को क्रॉस हो गया। यहाँ नेवले भी बहुत घूमते हैं, तो मैंने ऐसे करके ना मुँह छपा लिया। आप भी छपा लो। नहीं मैं चाहता, इससे धूप नहीं पड़ेगी यार मुँह पे। हाँ तो ऐसे बढ़िया। अरे मैम कहाँ चल रही, अम्ब्रेला में आ जाइए आप जरा, आपको मजा आ रहा धूप में क्या? स्मार्ट बाजार मैम आइए प्लीज, धूप में अम्ब्रेला में आइए प्लीज। क्या मम्मी कह रही अपनी छोड़ आज तो मेरी वीडियो बना। अरे मैंने ऐसे कहा कितना झूठ बोलती है, अरे ये कैमरे के सामने आते पलट जाती है गाइस। और मैं इतने बड़े मॉल में दुपट्टा लेके घूम रही हूँ, मैं बोलती हूँ पता है एकदम मॉल की एसी से ना उल्टी ऐसा मन भी हो जाता है पता है मेरा, वो धीरे धीरे ढलती हूँ मैं। अरे गाइस आज तो और तगड़े ऑफर लगे हैं, यहाँ सही टाइम पे आए हैं हम। मम्मी कप का सेट 99 रुपीज़ में, अच्छा लग रहा है। मैं क्या कह रही हूँ, अगर 99 रुपीज़ में बुक्स, जितने पेंसिल से एक बास्केट दिया था, और इसमें हमारे मेकअप का सामान भरा एक बॉक्स में। सही है गाइस ये सब 99 में है, कोई एक चीज जो भी लोगी 99 में है, ये भी 99 में है, वो देख लो यहाँ पे लिखा है ₹99। ले ये देखो कोई भी चुनी है ₹99। अरे आज तो मैं बल्ले बल्ले हो गया यार। ये भागी टोक ले रहे हैं सामान बटोरने के लिए, ऑफर कुछ ज्यादा पसंद आ गया। ये ले ली, ये इधर साइड है, इसे ऑफर कुछ ज्यादा पसंद आ गए तो ये 99 में तो इसे रख ले। कलर देख ले कौन सा लेना है, सही लग रहा है ये भी, सही है या ब्लू? ये भी अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा प्यार लग रहा है ये जोयो का यार। देख प्राइस देख, मैंने प्राइस ठीक हो गया। और एक कप का सेट ले लेते हैं, एक कप का सेट। एक मिनट में देखूंगा कहीं 1 पीस 99 का तो नहीं है, पूरी जाली में 99 का है, कोई भी तो नहीं 99। ये देख ये ले कप। हाँ और कलर देख ले। हाँ ये भी अच्छा है। कौन सा? ये थोड़ा ग्रीन ही ग्रीन कलर है, आपका फेवरेट ग्रीन। सही कह रही है। उठा इसको। ले लेती हूँ। अब हम ले रहे हैं जूस, ये ऑफर में एक्चुअली तभी ले रही हूँ, तभी मम्मी ले रही है वरना इसमें क्या रियल में क्या है सेव ₹22। तो ये तो नानी कैसे ले ली, वो ज्यादा बाय वन गेट वन फ्री है वो भी। मिक्स फ्रूट देखो कौन सा है, मिक्स फ्रूट रियल FP वीटा बूस्ट मिक्स फ्रूट। ये कौन सा है, ये तो नहीं है वाला रियल FP? हाँ और ये वाला कौन सा नहीं बताओ, तू बता दी कौन सी है। जो ले ले फिर, जो भी लेना है रख ले, एक MRP चेक कर लेना एक बार। अब हम मॉल के बाहर आ चुके हैं और एक भी बंदी ने क्या किया है, मैंने बोला था दो कैरी बैग कर लेते, नहीं उन्होंने पूरा भारी झोला मुझे पकड़ा दिया, अब ना ये पकड़ के लाई थी खाली, और एक ये मैं
ऑटो ला रही हूँ। मैं क्या कहूँ गाइस, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ दो बैग क्यों नहीं लिए इन्होंने, घूम भी नहीं पाए हम बिग बाजार। हम आज भी गए, सामान लिए और आ गए। गाइस हम पैदल हो गए, ऑटो वाला शायद हमारा सामान देख के भाग जा रहे हैं। वो कह रहे होंगे इनका सामान ही इतना है, मैं और सवारी कहाँ से बिठाऊंगा, कह रहे होंगे वो लोग। अरे कोई दिखे तो ऑटो वाला, सब हमें इग्नोर करके जा रहे हैं गाइस। ये कि सामान इतना पावर की तरह ही तो ऑफर में था ना, सही हुआ ले लिया। फाइनली हमें टुकटुक मिल गया। मम्मी समझाती रही कि हमें छोड़ना कहाँ पे, टुक कर भी जा रहे हैं। क्या कर रही हो? ये इनको हो रहा है क्या, गर्मी में इनका दिमाग भी चकरा रहा है। मैं तो कुछ ठंडा पीने मन कर, मैं सीधे आगे कुछ ठंडा पीने आती हूँ। हाँ, ये इतना सारा सामान भर के ले आए हैं, अब गिना रही हैं कि हम कौन कौन सा फालतू सामान लाए हैं। इनके हिसाब से हम ये फालतू लाए हैं और ये फालतू लाए हैं। क्या क्या ये फालतू लाए हैं, क्या करें हम। मैं ऐसी ये ऐसी करती है यार, हाँ ये सामान खरीदती जाती फिर बिलिंग भी हो जाएगी, उससे पहले उनको रिग्रेट नहीं होता, फिर बिलिंग हो जाएगी, सारा सामान हाथ में आ जाए, फिर उनको अरे यार मैंने ये क्यों लिया वो क्यों लिया। पैसा भी इनका, रिग्रेट भी इनका। गाइस एक औरत मुझे किडनैप करने आ रही है, मुझे एक औरत किडनैप करने आ रही है। गाइस क्या बोल रहे हो, पहले वैसे पक्का सही कह रहे, फटेगा तो नहीं पर ऊपर हाथ फटेगा, तो बीन के ले जाएंगे सामान और क्या करेंगे। हम गए पार्क में, सवाल क्या आ गए और कल जैसे किया, कोई बात नहीं अभी भेजा के अभी वो बनाएंगे हम। डिस्क्लेमर है, अगर मम्मी के साथ कहीं भी जाना है तो ये वीडियो देख लेना अच्छे से। अरे बहन जी कहाँ जा रही हो, बहन जी कहाँ जा रही हो, बहन जी गर्मी से हाल हो रहा है बहन जी, मेरे तो भीषण गर्मी है भाई यहाँ तो। बहन जी बहुत गर्मी है, बहन जी बहुत गर्मी है। हम पहुंच चुके हैं अब घर, देखो ये एक साल यूज फ्री है, कितने का है 140 का, सब नहीं है, कौन देगा यहां से, सब में ऑफर नहीं है, एक इसमें और एक अमरूद वाले में, दो में ऑफर है, एक एक के लिए आएगा। और एक कप का सर 99 का है, 99 रुपीस का, कुल्हड़ वाले कप है इसमें, ऐसे प्लेन भी थे पर मैं कैसा रंग रंगे देते, नहीं अमरूद है, मिक्स फ्रूट है, मिक्स फ्रूट है, हाँ वो वाले, और केला है इसमें, संतरा है, सेब है, मिक्स है वो, मिक्स वहाँ लिखा हुआ था। ये कुछ अलग वाला है, जो दूसरे वाले ना वाले अरे ये इनमें ऑफर चल रहा था ना, ये एक साथ फ्री था, कितने का था, बिल में एक साथ फ्री नहीं था, ये नहीं था, नहीं इसमें कुछ रुपए कम थे, 71 का एक पैकेट पड़ा हमें, जबकि 8 पीस थे, 8 पीस 70 रुपए का पैकेट पड़ा ना ये, हाँ 70 का एक पीस, हाँ एक पैकेट तो मैं लेके, मैं कहा एक दिन वहाँ बनाने का, और इसके अंदर 8 मैगी बराबर है एक ही पैकेट में, मतलब एक मैगी का फायदा है, 8 प्लस 1 है। सो गाइस हम लोगों ने सोचा था कि अभी हम लोग पिज्जा ऑर्डर करेंगे डोमिनोज से, पर क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन दिखा रहा है, मैंने जैसे ऑर्डर किया ना तो उसमें दिखा रहा था कि करेंटली द रेस्टोरेंट इज ऑफलाइन, तो शायद भगवान जी भी चाहते हैं कि हम पिज्ज़ा ना खाएं आज। बट हम लोग यिप्पी नूडल्स आए थे, ये इनका कोरियन फ्लेवर वाले नूडल हैं, तो आज यही बनाते हैं। तो अब हम बनाए जा रहे हैं नूडल्स, पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। तो इसमें दिया है कि 285 ml वाटर को हमें डालना है, फिर बॉईल करना है, फिर नूडल्स को बिना तोड़े डालना है, उसके बाद सीजनिंग डालनी है, वेजिटेबल डालनी है, और 5 मिनट में नूडल्स रेडी हो जाएंगे, बस इतना ही करना है।
सो लेट्स स्टार्ट। इसको अच्छे से करते हैं, कट 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 कट। किसी गलती है इसमें? तुझे कैन चलानी आती इसका मतलब सॉरी मैगी हिप्पी। तो दो ग्लास पानी डाल दे, ये 250 ml है। तो 250 ml पानी डाल दिया है। मैं सोच रही भाई पानी थोड़ा अच्छे से बॉईल होने देते हैं ताकि नूडल्स कच्चे ना रहे। हो जा नहीं है ठंडे पानी में डाल दो, कच्चा नहीं ठंडे में मत डालना बेकार हो जाएगा भाई। तो ये तो डाल देता उसका जो मसाला वगैरह है वो किसमें डाल दू? पानी में अभी डाल दू उसमें बाद में डालता बात नहीं कर रहा था वो तो ये वजह से कहते वैसे ही बनाओ लास्ट में गड़बड़ हुई तो फिर खा ली। जिसने बोला है फिर उसी पे बात आएगी वही। ये है सबसे स्पाइसी सीजनिंग इसकी। अब हम डाल दे रहे हैं नूडल्स को, पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। इतनी तेज गैस कर दीजिए आपने। तो मैंने से जल्दी पानी बॉईल होगा, हम इतनी गर्मी में पक रहे हैं किचन में। पसीना तेरा साफ दिखाई दे रहा है, कितना थी पसीना, कितनी मेहनत कर दी। तो वही तो टेस्ट आएगा फिर इनमें, यूपी का कोई टेस्ट आने वाला है? यही टेस्ट आएगा नूडल्स बनाने में तो कितनी मेहनत कर रही है दिख रहा है ना। ओ वाओ रिच सीजनिंग मस्त लग रही है। तो लग रही है कोरियन वाइब आने वाली है। ओह गॉड कितना स्पाइसी लग रहा है मसाला। एकदम मस्त कोरियन नूडल बनने आ गए। अब इसको मैं ढक देती हूँ भाई, पसीना कितना आ रहा है। बस अच्छा हुआ तूने फेंक दिया ये सभी, मैं कहने वाली थी मैं सफाई कौन फेंकेगा। अरे हो गया गाइस, हमेशा खाना बनाने के बाद किचन साफ करना चाहिए। तो गाइस ये रेडी हो चुके हैं, पर इसमें सूप ज्यादा हो रहा है तो मैं सोचूंगी तेज आंच करके थोड़ा सूप सुखा देती हूँ इसका, क्योंकि मुझे गीली से ज्यादा सूखे वाले मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। देखो कितना सारा सूप हो गया इसमें। तो गाइस ये नूडल्स रेडी हो चुके हैं, अब इन्हें टेस्ट करते हैं। पसीना ऐसा हो रहा है जैसे जिम करके आई होंगी। क्या इनका डिटो टेस्ट कोरियन नूडल वाला हो रहा है। मैंने खाए हैं इससे पहले भी कोरियन नूडल, पर मेरे को ऐसा लग रहा है ये उससे भी अच्छा वर्जन है। बहुत ही हो रहा है बहुत ज़्यादा। वैसे गर्मी हो रही पर चीनी वाला जा रही है इतना अच्छे नहीं हो रहे। ठीक है हाँ कैसे हो रहे हैं? बढ़िया। रेडी हो चुकी हूँ बर्थडे में जाने के लिए और ये देख रहा हूँ कितना पसीना आने में ही लगा है। मैंने जीन्स टॉप पहन लिया है, गिने चुने कपड़े लाई थी मैं, इतने कुछ भर के नहीं लाई थी। यहाँ पे मम्मी मेरी वीडियो देख रही हैं, वीडियो देखो कितने मन लगा के देख रही हैं। आप लोग भी ऐसे मन लगा के हमारी वीडियोस देखना। और अभी बस थोड़ी देर में निकलते हैं, 8 बजे का टाइमिंग है, अभी 7:30 हो रहा है, तो बस आधे घंटे में हम निकलते हैं हम लोग। अब हम जा रहे हैं बर्थडे में, दूर दूर तक लाइट का नाम निशान नहीं है, लाइट चली गई है। वो 9 लोगों का इन्वर्टर है तो इतनी लाइट है। अब देखते हैं इधर को देखो, इधर को देखो, हेलो इधर भी देख लो। हम आ चुके हैं घर वापस और हम लोग ये लाए हैं केक समोसा नमकीन टॉफी और बिस्किट। ये केक और नमकीन मिक्स होती है ना, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है मुझे, पता नहीं क्यों अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। टेस्टी हो रहा है बहुत, सॉफ्ट सॉफ्ट था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग।
गर्मी यहाँ पे मैं क्या बताऊँ, एक्सट्रीम लेवल में इतनी गर्मी मैंने कभी महसूस नहीं की है, पता नहीं आज ही कर रही हूँ। आज कुछ ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है, बाकी दिनों के साथ तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है आज। सो दैट्स इट फॉर टुडेस व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।